दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में। फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें मैं सेशन 1 चला रहा हूँ। ये हमारी आईआर की सीरीज़ प्लस मैपिंग सीरीज चल रही है साइड टू साइड। इसमें मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ। जो मेरे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि एक बार प्ले लिस्ट में जाके पहले लेक्चर से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर लेके चल रहा हूँ। अभी तक हमने आईआर प्लस मैपिंग में काफ़ी सारी इंटरनेशनल न्यूज़ को देखा, और हमने अभी तक अगर बात करें तो हमने इंटरनेशनल न्यूज़ प्लस मैपिंग अभी तक हमने कंप्लीट किया 5 लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अभी तक जो फिनिश किया था, जो इनमें न्यूज़ जो हमने ओवरऑल देखी थी प्लस जो मैपिंग देखी थी, वो हमने 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक हमने जो है मैपिंग देखी थी, राइट। उसके बाद अब जो ये वीडियोस बनेंगी, 3 वीडियो जिसके अंदर बनेंगी, इसके अंदर हम सबमिट्स भी देखेंगे, कुछ मंच भी देखेंगे, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे, लाइक G4 क्या है, G7 क्या है, G20 क्या है। ये बड़ी खुरपेचबाजी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स का भी दिमाग इसमें घूमता है। तो उसके एक मैंने सिस्टमेटिक पैटर्न के हिसाब से मैं सेट करने की कोशिश करूँगा। पहले तो हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि इंडिया किस किस में पार्टिसिपेट लेता है, कौन कौन से फॉर्म्स में रखता है वो, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा यूएन को उठाएंगे, यूएन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो गया, और लास्ट में फिर हम एनएसजी हो गया, एमसीटीआर हो गया, फिर और भी जो न्यूक्लियर इश्यूज हो गया, IAEA हो गया, इससे रिलेटेड हम जो भी कंट्रोवर्सीज होगी उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो ये मेरी इसमें हम 3 वीडियो देखेंगे। पहली वीडियो आज के समय कंटिन्यू चल रही है आपके सामने अभी, और इसके बाद 2 वीडियो कंप्लीट होती है, मेरा आईआर का सेशन मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा लास्ट 6 मंथ का। फिर उसके बाद हम साइंस टैक पर चलेंगे, यानी कि आप मैक्सिमम मान लीजिए अगर आज 12 तारीख है, 1:40 हो रहे हैं रात के, तो मैक्सिमम 14 तारीख से कोशिश यही होगी कि हम साइंस टैक की सीरीज स्टार्ट करें और विद इन 7 डेज के अंदर साइंस टैक को भी खत्म करें, क्योंकि सबसे टफेस्ट टॉपिक्स भी यही है। फिर पॉलिटी में मैक्सिमम 3 से 4 ही वीडियो बनेंगी, वो भी बहुत जल्दी ईजी हो जाएगा। हाँ, फिर टाइम लगेगा इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक में हो सकता है 10 से 12 वीडियो जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं ही सेशन लूँगा, तो उसमें बेसिक टू एडवांस अप्रोच हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो रिजल्ट आया था मेंस का कि सर क्या बना आपका, आपने दिया नहीं दिया, देखो सिंपल सी बात है कि मैंने लास्ट ईयर जो मेंस कहने मतलब 2017 में मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया, क्योंकि 2017 का जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो मैं तो बाहर हो गया, आउट ऑफ हो गया, फेल्ड हो गया, सच भी बताएं तो। जिस वजह से फिर जब रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड था हो जाएगा, एटलीस्ट कोई भी टुच्ची सी रैंक ही मिलेगी, कोई नहीं लास्ट की रैंक भी मिल जाएगी तो भी मैं सेटिस्फाइड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन तो होता, बट नहीं हो पाया। तो जिस वजह से फिर मैंने प्रिपरेशन नहीं कर पाया, 2 महीने के अंदर रिवाइज इतना अच्छे से हो नहीं पाया, मुझे लगा कि स्किप कर देना चाहिए, तो जिस वजह से मैंने फिर स्किप ही कर दिया। और दूसरी बात, कुछ घर में भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, और कुछ मेरे भी कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से मुझे लगा कि ठीक है इस बार स्किप कर देते हैं। और मीन्स कहने का तात्पर्य सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि 2018 में मैं बैठने जा रहा हूँ आप लोगों की तरह, और डेफिनेटली मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम दूंगा। तो ये जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से। मेरा यहाँ पे कोई बैक डोर से कुछ खुरपेच करना, पैसे इकट्ठा करना मेरा कोई टारगेट नहीं है दोस्तों। जैसे फ्री एजुकेशन, मैं उन गाँव तक पहुँच जाऊँ, उन बच्चों तक, या फिर मेरे दोस्त भाई बहनों तक मैं पहुँच जाऊँ जिनको एक बाकी फ्री लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, दैट्स इट। और कोई मेरी तरफ से कोई, मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं करता, मैं कोई आपको ये नहीं बोलता लाइक्स डिसलाइक, जो आपका मन आता कर दीजिए, एक ये ओपन फॉर्म है एक तरह से मेरी तरफ से। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं आज के समय और स्टार्ट करते हैं हम सार्क से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में बना रहा था सार्क। देखिए हुआ क्या, ऑफकोर्स सार्क की वही कहानी, दर्द भरी कहानी, हमेशा से पाकिस्तान का हमेशा से एजेंडा हमेशा से बना रहता है। देखने को यही मिलता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जब भी इंडिया के साथ कोई भी कंट्रोवर्सीज होती है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं टांग अड़ाता ही अड़ाता है, राइट। ये तो होता ही होता है, चाहे कोई भी चीज़ ले लें, चाहे किसी भी चीज़ फॉर्म में ले लें, चाहे वो आप तापी ले लें, तापी जब आगे आने वाले स्लाइड्स में क्लियर करेंगे, चाहे आप ग्वादर पोर्ट ले लें, या फिर आप सी पैक ले लें, कुछ भी ले लें, पाकिस्तान कुछ ना कुछ खुरपेच हमारे साथ इंडिया के साथ करता ही करता है, ये तो बात होगी क्लियर। देखिए सार्क क्या है, सार्क बेसिकली देखा जाए तो ये कंट्रीब्यूशन एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से फॉर्म है 8 कंट्रियों का, जिसके अंदर मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, आपका श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। अगर सैटिसफाइन की मैपिंग भी करते जाएं, लाइक अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और ये हमारा साडा इंडिया। इसकी फुल फॉर्म अगर सार्क की बात करें तो देखिए साउथ एशिया एशियन फॉर द रीजन्स कॉपरेशन होता है इसका, कुछ इस तरह से लोगो होता है इसमें, कुछ देख सकते हैं, कुछ बंदे बिठा रखे इन्होंने, कुछ इस तरह की थिंग्स हैं, लोगों से रिलेटेड नहीं, बस आप पता होना चाहिए कि सार्क से रिलेटेड है, क्योंकि राइट। तो अभी हाल ही में जब पाकिस्तान के अंदर जब ये सबमिट हुई थी, तो फिर जब बेसिकली जब ये सबमिट हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया ने डिनाई कर दिया था। क्यों? पाकिस्तान का ऑफकोर्स मुद्दा वो ये टेररिज्म, बैक साइड से टेररिज्म, USA से पैसा लेना और उसी को ही फिर कारगिल या फिर कश्मीर की तरफ उसी पैसे को आगे फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनके जो ये कैंप हैं उनकी तरह से जो जिहादी लोग हैं बेसिकली, ये अगर बात करें तो
जो एक्सट्रीम की तरफ, जो टेररिज्म की तरफ बढ़ते हैं उनकी तरफ फंडिंग करना, यही इसका बेसिकली मकसद था। जिस वजह से फिर इंडिया ने इसका बायकॉट किया और बोला कि भाई हम सार्क के अंदर जो हम नहीं थे, ये था ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर अगर बात करें तो पहले के बारे में। लेकिन इस तरह से जो यूपीएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये जो कंटेस्ट बताया वो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, ना कि प्रिंस के। प्रिंस में क्या आता है, फैक्चुअल टाइप, पहले ध्यान से समझिएगा, देखिए फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो आपको दो चार कंट्री के नाम दे देगा, पहचानिए कौन सी कंट्री सार्क के अंदर शामिल होती है, या फिर बोल देगा कुछ कॉर्ड दे देगा कि भाई इसका फाउंड ये ढाका में है किधर है कि, या फिर नेपाल लद्दाख काठमांडू कुछ भी डाल सकता है, मैं कहने मतलब ये। तो उसकी वजह से फिर हमें उसी के हिसाब से, हमें प्रिम्स के हिसाब से, हमें अपने हिसाब से एक जिसको बोल सकते हैं 360 डिग्री व्यू हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल वास्ट एंगल की तरफ से। तो हम इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक इंटर एक तरह से इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से अंत सरकारी जिसको बोलते हैं मंच है एक तरह से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। यहाँ पे गवर्नमेंट के टू गवर्नमेंट आके जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सरकार ही सरकार आके पार्टिसिपेट करती है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे मीडिया आके पार्टिसिपेट करे, पीपल आके एक ऑर्डिनरी पीपल आके पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो क्लियर होगी। इस फाउंडेशन ने ढाका में हुआ था और उसका जो सेक्रेटरीट है काठमांडू में, कुछ 8 मेंबर हैं जो हाल ही में जो अफगानिस्तान जो 2007 में जो है जोड़ा गया, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स हैं। ये तो हो गया। म्यांमार और चाइना आर नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क, प्लीज़ इसको याद रखेगा। हो सकता है यूपीएससी के अंदर ये बोल दे कि भाई सार्क सार्क के जो मेंबर है म्यांमार तो है, एटलीस्ट तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा म्यांमार जो है इसमें बिल्कुल नहीं लगता। पहली बात तो क्लियर हो गई। 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है ऑब्जर्वर स्टेट्स, पर फिर भी मैंने रख दिया, अब देख लीजिएगा एक नज़र। बाकी अगर याद ना भी हो तो भी कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ये हमें चीज़ देखने को मिलती है कि देखिए सार्क जो है वर्ल्ड एरिया अगर ओवरऑल अगर बात करें तो 3% ही कुछ 3% कवर करता है, लेकिन इसकी जो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 21% है। क्यों 3% कैसे, क्योंकि देखिए भाई इंडिया ही 2.4 कर देता है, बाकी तो फिर ये चिल्लर पार्टी जो बस्ती हैं भूटान, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, नेपाल, ये श्रीलंका, मालदीव्स, तो ये छोटी छोटी कंट्री, तो ऑलमोस्ट 3% ज्योग्राफिकल एरिया का कवर कवर करता है, लेकिन अगर बात करें 21% जो है पॉपुलेशन करता है, यानी कि देखा जाए तो उसकी मार्केट को देखें अगर एनालिसिस करें तो बहुत बड़ी मार्केट हमें देखने को मिलती है। इसी की जैसे साफ्टा होता है, साफ्टा हम जो है नेक्स्ट में एकदम लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने एक अलग से इसका पैटर्न सेट कर रखा है। तो इसका बेसिकली सार का जो मुद्दा यही है कि भाई ठीक है भाई टू प्रमोट डेवलपमेंट बिजनेस रिलेटेड, लेकिन डेवलपमेंट होती नहीं है टू बी फ्रेंक अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें। क्यों, कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की वजह से ये होता है कि सार्क जो होता है मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, इसके 80-90% चांसेस यही होते हैं कि फेल्ड ही होता है। क्यों, कुछ भी चाहे आप सैटेलाइट से रिलेटेड ले लो, चाहे इकोनॉमिक कॉरिडोर से ले लो, कहीं ना कहीं खुरपे जो पाकिस्तान करने की जो यहाँ पे कोशिश करता है। तो फिर जो एनालिसिस जो यही कहते हैं कि भाई सार्क माइनस, अभी एक थीम निकली थी कि सार्क माइनस पाकिस्तानी, द हिंदू में एडिटोरियल आया था कि अगर सार्क में से पाकिस्तान को हटा दें तो मैक्सिमम एटलीस्ट हम 7 लोगों के साथ काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी मीन्स काफ़ी अच्छा एक गेम खेल सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमें एक दुविधा देखने को मिलती है, रीजंस भी बता देता हूँ क्यों, कैसी कौन सी दुविधा। क्योंकि देखिए अगर हम पुरानी स्लाइड में चलें तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, लेट सपोज अगर हम पाकिस्तान को हटा भी देते हैं तो फिर भी देखिए इंडिया का जो अगर ज्योग्राफिकल रीजन देखें तो ठीक है ये कंट्री तो हमें जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान फिर अगेन अछूता रह जाएगा। एक तो मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर अगर एयर कॉरिडोर, अब हमारा जो इंडिया और अफगानिस्तान से हमारा जो जुड़ा था, बट जिस वजह से फिर अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नवालदीप, ये फिर एक बिग्स ब्रदर सिंड्रोम से थोड़ा पीछे छुड़ाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि भाई क्योंकि इंडिया हमारी मार्केट को कैप्चर ना कर ले, तो कहीं ना कहीं जिस वजह से ये मुद्दा भी एक ओवरऑल क्रिटिकल एसेस के तौर पर देखने को मिलता है। तो अभी तक मैंने ये पूरा ओवरऑल सार को इसलिए समझाया क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रखती हैं। खैर तो दोस्तों एक चीज़ और कि देखिए 18th SAARC Summit जो हुई थी 2014 में हुई थी काठमांडू में, इसका हर 2 साल में एक समिट होती है, और 2016 में के अंदर ही अगर बात करें तो फिर इस्लामाबाद के अंदर जो है समिट हमें देखने को मिलती थी। न्यूज़ इसलिए बनी थी क्योंकि सार्क में कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स में आता रहता था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिस वजह से मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। 2018 की समिट भी कंफर्म नहीं है, बट यही बोलूंगा कि इस्लामाबाद में 2016 में हुई थी, काठमांडू 2014 की, हो सकता है कॉर्ड यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल दे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं G4 की तरफ। देखिए दोस्तों G4 क्या था, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज अगर बात करें तो, अभी लेटेस्ट ये हुआ था कि जब यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब मीटिंग जब जब 72 राउंड जब चल रहा था, तो वहाँ पे फिर G4 के आपस में ऐसी
मिल लिए और उन्होंने फिर बात करें तो कुछ कुछ खास को डिक्लेरेशन तो नहीं निकाला, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि G4 भी कहीं ना कहीं हाईलाइट में हुआ। देखिए G4 में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, ब्राज़ील हो गया, आपका इंडिया हो गया, आपका जापान हो गया और आपका जर्मनी हो गया। ये बेसिकली जो चार कंट्रीज देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये इंडिया हो सकता है, यहाँ पे गलत मैप शो कर रहा हूँ गूगल के थ्रू, पर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कश्मीर इज़ द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंडिया। कश्मीर जो है अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। खैर तो जिस वजह से ये न्यूयॉर्क में मिले थे, फिर कहीं ना कहीं द हिंदू ने काफ़ी कुछ निकाला G4 से रिलेटेड कि रिफॉर्म करना चाहिए। तो इसमें आप मेंबर्स को जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए इसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान होते हैं, यानी कि मैपिंग हमेशा ऐसे सेट करेंगे दिमाग में तो डेफिनेटली चीज़ें जो होंगी काफ़ी तक आपकी क्वालिटी वाइज निकल के आएंगी। तो इनकी कंट्रोवर्सी ये है कि ये हमेशा से ये चाहते हैं कि भाई UNSC जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर 5 लोग होते हैं, यानी कई लेटेस्ट फॉर्म P+1 भी बोल देते हैं कभी कभी, जिसके अंदर रशिया, चाइना, आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, फ्रांस हो गया आपका, और आपका ब्रिटेन हो गया। तो ये सारी कंट्री, ये स्पेशली जो है जी फॉर्म का जो मेन मोटिव है वो यही है कि बेसिकली इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिफॉर्म किया जाए, ताकि इंडिया को भी आगे बढ़ने का चांस दिया जाए, ब्राज़ील को भी आगे निकालने का चांस दिया जाए, यानी इनको भी कहीं ना कहीं परमानेंट सीट्स में मिलनी चाहिए। तो ये ओवरऑल इसके अंदर पूरा पूरा कैंपेन G4 ने चला रखा है भाई, UN का जो रिफॉर्म होना चाहिए, परमानेंट काउंसिलिंग का भी रिफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह की थिंग्स हमें ओवरऑल हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो दोस्तों यही था ओवरऑल इसके अंदर, और तो कुछ खास इसमें था नहीं, बाकी सब चीज़ें डिक्लेरेशन वो कोई खास हमारे प्रिंस पॉइंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ओवरऑल जितना था मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट G7 की तरफ। देखिए दोस्तों G7 में 43rd अगर बात करें तो ये सबमिट हुई थी एक तरह से देखा जाए तो देखिए फिर ये हेल्ड जो हुई थी वो तर्मानिया में हुई थी, जो बेसिकली जो इटली के अंदर होता है। ये जरूर आप प्लीज़ इसको याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन से पूछ पूछ लिया जाए कि भाई हाल ही में ये किससे रिलेटेड था। तो प्लीज़ इस चीज़ को जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। सेट टू सेट इसमें मैं ये बोलूँगा कि देखिए इसकी जो थीम थी ओवरऑल, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो होते हैं थीम से भी पूछे जाते हैं, तो बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द रिन्यू ट्रस्ट होता है इससे रिलेटेड, आप इसको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा कि बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द रिन्यू ट्रस्ट, इस चीज़ को आप जरूर याद करने की जो कोशिश कीजिएगा। फिर कुछ जगह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं अगर बात करें तो, अगर अगर एजेंडा बोले तो ओवरऑल जिस मीटिंग का जो कंक्लूजन निकाले तो फंडामेंटल जो पिलर जो तीन ही पे निकले थे कि भाई सिटीजन सेफ्टी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी और रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी, बेसिकली इसमें देखने का चाहिए कि इकोनॉमिक में, इन्वायरमेंट में हमेशा जो है इसमें इनइक्वालिटीज को जो खत्म करना चाहिए, ताकि सभी को सबका विकास वाला जो है नारा सबके साथ हो सके। साइड टू साइड इनका जो थर्ड पिलर देखने में ये देखने को मिलता है कि इनोवेशन, स्किल्स एंड लेबर्स की तरह इनका जो बेसिकली जो ज़्यादा फोकस यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए फिर इसके बाद हुआ क्या था कि देखिए अगर पहले सच बताएं तो देखिए पहले G7 को बेसिकली पहले G8 ही बोलते थे। G8 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि देखिए जो आठवां जो मेंबर था बेसिकली वो था रशिया। देखिए G7 में कौन कौन से मेंबर होते हैं, जिसमें कनाडा आ गया, USA हो गया, साथ में UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जापान को। हमने G4 में भी देखा था कि जापान था वहाँ पे। अगर आप चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करें तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि जापान जो था इसमें भी था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि G4 और G7 में वो कौन सी कंट्री थी, राइट? तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो ध्यान रखिए जापान ही, क्योंकि जापान बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें देखने यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जापान जो स्पेशली जो हमें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है, जापान तो था ही साइड, क्या जर्मनी था, नहीं था? तो आप इस चीज़ को भी आप जरूर मुझे बताने की जो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली G7, तो इन्होंने फिर क्या किया कि जो इन 7 कंट्रियों ने रशिया को सस्पेंड कर दिया टेम्परेरी बेस पे। अभी जो हाल ही में बात करें तो टेम्परेरी बेस पे सस्पेंडेड जो किया गया है, परमानेंट ऐसे 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 नहीं किया गया है जो अभी तक, जो अगर अगर मैं G7 की वेबसाइट पे जाके देखूं तो वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस ही जो है स्पेशली जो है लिखा गया है। तो हुआ इसलिए सस्पेंड किया था क्योंकि क्रीमिया का जो इशू था यूक्रेन से रिलेटेड, पहले यूक्रेन बोलता था भाई क्रीमिया जो है यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन रशिया ने बोला नहीं भाई ये तो हमारा पार्ट है। तो जिस वजह से फिर वहाँ पे रिफंडम्स हुए, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई हम तो रशिया के साथ जोड़ेंगे। तो ये ओवरऑल जो जो ये हमें जो कंटास्ट जो हमें बेसिकली देखने को मिलता है। तो G7 बेसिकली अगर बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं ये रिच कंट्री की तरफ ही जो है हमें चीज़ देखने को मिलती है कि आप देखें तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिच कंट्री की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। साइड टू साइड अगर बात करें 64% जो होता है नेट ग्लोबल वेल्थ से रिलेटेड होता है, हो सकता है 65 भी हो,
अप्रोक्सीमेटली ये कि 60+ ही जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वेल्थ की तरफ हमें देखने को मिलता है। बाकी बाकी जो 44 समिट होगी इन फ्यूचर में, अगर कहीं फ्यूचर का भी पूछते तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि कनाडा में होगी इस चीज़ की समिट। तो अभी जो हाल ही में हुई वो अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारी इटली में थी, लेकिन जो फ्यूचर की जो समिट होगी वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो है कनाडा की तरफ हमारी होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी की जैसे सुर्खियों में जो एक चीज़ बनी रही, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए इसका हेड ऑफिस पहले जो हमेशा याद रखिएगा कि ये बेसिकली पेरिस में था। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब कि समझ जाइए कि एक वर्ड आगे जुड़ के आ रहा है, फाइनेंशियल एक्शन। आप अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं पैसे से, मुद्रा से, वित्त से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये जो टास्क देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल टास्क जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं G7 की ही देन है। तो जिस वजह से आज के समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें हम चीज़ें देखते रहते हैं। तो ये एक तरह से अगर देखें तो ये भी कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी है, स्पेशली फॉर द मेकिंग बॉडीज से रिलेटेड। और सेकंड थिंग, इसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि इसका जो लक्ष्य है स्पेशली एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशली जो इसका जो बेसिकली जो टास्क है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय कितने सारे केसेस हो रहे हैं, चाहे वो हवाला कांड हो, चाहे सट्टा हो, चाहे कुछ भी कोई भी चीज़ हो, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है तो ऑफकोर्स हम किसी भी GDP को बहुत तगड़ा जो है नुकसान होता है ब्लैक मार्केटिंग से। तो जिस वजह से इसका जो स्पेशली जो बेसिकली जो काम था वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस चीज़ को जरूर याद रखें, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्लस टेररिस्ट फंडिंग। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जो ब्लैक मार्केटिंग जो पैसा होता है वो फिर कहीं ना कहीं इधर उधर इन्वेस्ट किया जाता है। तो हो सकता है जैसे कि पाकिस्तान में अगर ब्लैक मार्केटिंग है तो वो कहीं ना कहीं अपने फिर टेररिस्ट को फंडिंग करता है, फिर वो आतंकवाद फैलाता है इंडिया के अंदर। तो जिस वजह से एक फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क का जो बेसिकली जो मेन यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंडिंग की तरफ इसका जो बेसिकली जो मैक्सिमम जो फोकस यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। इसमें कुछ 36 कंट्रीज होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंडिया इज द मेंबर, कि इसका फाइनेंशियल टास्क का देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया भी मेंबर है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि देखिए क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत लगता है कि ये मेंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि वर्ड एक कुछ ऐसा अजीब सा लगता है कि यार नहीं होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, G7 का है, तो कहाँ से हो सकता है। तो जिस वजह से बट इस चीज़ को जरूरी याद है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं इसका जो है हमें मेंबर देखने को मिलता है। तो ये G7 से देखिए कोरिलेट नहीं करता, अगेन स्टैब्लिश किया था बट उससे इससे G7 कोई 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 बेसिकली बात को कोई तजुर्बू नहीं है। अब इस चीज़ बात करें तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्म की तरह से, मंच की तरह से जो स्पेशली जो है ये काम करता है। इसी वजह से नेक्स्ट चलते हैं G20 की तरफ। पहले देखिए दोस्तों, G20 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात करें पूरा ओवरऑल वर्ल्ड की, कोई कुछ 80-85% की जो GDP लेके चलता है। ऑफकोर्स काफ़ी बिग है, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप बात करें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, और देखिए कंट्रीज़ नहीं आती हैं, अगेन आप PCS लेवल के पीछे मत भागिएगा, UPSC के अंदर कंट्रीज़ नहीं पूछेगा कि भाई, क्योंकि देखिए G20 ऑफकोर्स छोटा सा ब्रेन है, G20 कहाँ तक आप कंट्रीज़ को याद रखेंगे। तो कंट्रीज़ के पीछे मत भागिएगा, जस्ट एनालिसिस करने के लिए बता रखें कि देखिए कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये सारी कंट्रीज़ इसमें जो है देखने को हमें मिलती है। ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ी बड़ी जो अगर बात करें एशिया और आपका थोड़ा सा यूरोप और साथ में अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका और इवन साउथ अमेरिका, अब काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड करता है। तो अभी हाल ही में जो इसकी सबमिट हुई थी वो हैमबर्ग में हुई थी जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी की मैपिंग मैंने करा रखी है आपको, तो वहाँ से पहले की देख ली। इसकी जो स्पेशली जो थीम देखें वो शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, इसकी जो बेसिकली जो थीम है वो यही है कि इसमें शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। साथ ही साथ जो G20 के अंदर जो पूरे देश है वो कहीं ना कहीं 19 कंट्रीज़ प्लस EU इसमें देखने को हमें मिलता है। सेट टू साइड 80% GDP देखने को मिलती है, 2/3 पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। और ओवरऑल कहीं ना कहीं जो इस फॉर्म को जो सबमिट हुआ था, जो आखिरी रीज़न अभी हाल ही में लेटेस्ट ही निकली है ये, क्योंकि जब 2008 में हमने देखा कि लेमन्स ब्रदर जब क्राइसिस हो गए उनके, तो कहीं ना कहीं फिर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को लगा कि भाई इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो। तो कहीं ना कहीं G20 को फॉर्म किया गया कि ठीक है, हाँ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन करते हैं और इससे रिलेटेड हम आगे करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देख जानबूझ के छोड़ के जा रहा हूँ कि G20 के अंदर इंडिया के हिसाब से कौन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर या यहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर, कौन कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके GK की यहाँ पे जाके चेक कर सकूँ। बाकी 13 G20 जो मीटिंग 2018 में होगी वो अर्जेंटीना में होगी, बोनो एरेस में, इसी को जरूर याद रखेगा कि जो होगी वो अर्जेंटीना में होगी। दैट्स और कुछ इसमें कुछ खास प्रिंसिपल के हिसाब से हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं,
दोस्तों फिर इसी वजह से इप्सा एक एडिटोरियल्स में निकल के आया, क्योंकि अभी हाल ही में जो ट्रस्टेड फंड एग्रीमेंट हुआ था इप्सा चार कंट्री से रिलेटेड। देखिए इप्सा होता क्या है, देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा ब्राज़ील, ये रहा साउथ अफ्रीका। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये तीन, अगर बात करें तो ये इप्सा जो है बात करें तो प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर तीन कंट्री एक सेकेंड, इंडिया, सॉरी गाइस, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका जो इसमें देखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में जो इन्होंने साइन किया था कि ट्रस्टेड फंड एक एग्रीमेंट टू फाइट द पॉवर्टी। अब देखिए यूपीएससी का कोर एरिया भी पॉवर्टी से रिलेटेड ही होता है, कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म, कहीं ना कहीं सोशल की तरफ इनका ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो जिस वजह से इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि हाल ही में जो इप्सा ने जो है ट्रस्टेड फंड जो एग्रीमेंट किया है वो कहीं ना कहीं टू फाइट पॉवर्टीज इन डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड किया गया है। तो इन्होंने ये बोला कि ईच मेमरी की हर एक कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे साउथ अफ्रीका, वो इस फंड के अंदर 1 मिलियन US डॉलर, देखिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, और 10 लाख में आपका हो गया, अगर मान लीजिए 10 लाख है इंटू 60 या 65 कर दीजिए, तो ये आपका ओवरऑल आपकी मनी नहीं लेनी, यानी कि 6.4 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से अगर बात करें तो ये हर एक कंट्री जो है एनुअली जो है कि वो इस फंड में जो है कंट्रीब्यूट करेगी, ताकि उसको जो भी इम्प्लीमेशन हो फिर वो फाइट विद द पॉवर्टी से किया जाए। इसी की जैसे इस चीज़ में याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा भी गया कि ब्राज़ीला डिक्लेरेशन जो होता है वो इप्सा से ही रिलेटेड है, जो 2003 में किया गया था कि हाँ भाई हम एक कंट्री को स्मूथ बनाएंगे, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फाइट विद द पॉवर्टी करेंगे, और अच्छी अच्छी बातें जो भी होती है नॉर्मली जो MOU में, वही चीज़ें जो इसमें भी यहाँ पर बताई गई थी। तो ये ओवरऑल हमारा इप्सा से रिलेटेड हमारे यहाँ से टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर एक न्यूज़ चली थी BBIN, देखिए हुआ क्या था, कंटेस्ट ये था कि पहले तो समझते हैं BBIN, देखिए BBIN का फुल फॉर्म यही होता है कि पहले तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इसकी फुल फॉर्म यही होता है। ये इनिशिएटिव एक तरह से फॉर्म है एक तरह से, ये भी जिसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नेपाल, भूटान, आपका ये हो गया बांग्लादेश, और आपका ये हो गया हमारा इंडिया। तो हुआ ये कि भूटान ने भी रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि भाई वो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है स्पेशली जो साइन करने वाला था उन्होंने मना कर दिया। कंटेस्ट में यह था कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और इंडिया ने बोला कि भाई जो मोटर व्हीकल एक एक्ट बनाते हैं ताकि एक फ्री ट्रेड की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, लेकिन भूटान ने यहाँ पे मना कर दिया। ये था पूरा का पूरा ओवरऑल कंटेस्ट, ये था कि उनको लगा कि भाई इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा घाटा होगा, कहीं ऐसा ना फिर इंडिया मार्केट पूरा कैप्चर कर ले, हमारे वहाँ के लोकल ट्रेडर्स खत्म हो जाएंगे, कुछ ये नेगेटिव बातें जो है बेसिकली जो हमें देखने को मिली, जिस वजह से भूटान ने फिर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो था बेसिकली इसको जो है मना कर दिया, ताकि ये पूरा पूरा ओवरऑल जो हमें कंटेस्ट हमें देखने को मिलता था। क्योंकि देखिए क्योंकि सॉरी ट्रक्स एंड अदर कमर्शियल व्हीकल्स प्ले एन अदर हाईवे टू फैसिलिटी ट्रेड्स, वही ट्रेड से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें जो भी थी, और साइड टू साइड पर यही ओवरऑल जो कंटेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो BBI कभी कभी हो सकता है BBIN भी आ जाए, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से, बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं, सिर्फ ओवरऑल यही चीज़ें जो इसमें हमें बताई गई थी दोस्तों। इसी के जैसे फिर न्यूज़ ये निकल के आ गई, देखिए 8th मेकॉन गंगा कॉर्पोरेशन मिनिस्टर को जो मीटिंग हुई थी स्पेशली द मनीला न फिलीपींस के अंदर, ये फिलीपींस लोग बेसिकली तगालो बोलते हैं, इस चीज़ को भाई जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए फिलीपींस के अंदर 8th मेकॉन गंगा कॉर्पोरेशन हुई, अब इसमें मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई तो वही अच्छी अच्छी बातें निकली कि हाँ विकास करेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे, टेररिज्म को खत्म करेंगे, कुछ इस तरह की थिंग्स है। ओवरऑल हर एक फॉर्म में यही ओवरऑल मोटिवेटिव थीम यही होती है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि क्योंकि इसके अंदर कुछ खास निकला नहीं, तो जिस वजह से अब हमारे लिए जो ये मेकॉन गंगा कॉर्पोरेशन है ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसके कंपोजिशंस क्या क्या है, इस पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए बेसिकली मेकॉन गंगा कॉर्पोरेशन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 6 कंट्रियों से रिलेटेड है, जिसको 6 कंट्री को बात करें तो 6 कंट्रीज़ को मिलाया गया है इसके अंदर, जिसके अंदर आपका इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये पोर्शन इंडिया को भी ले लें तो ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चाइना से भी परेशान है, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो अब इंडिया जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बात करें तो एक सशक्त की तरफ आगे बढ़ा, तो ये तो खैर अलग चीज़ें थी। तो जिस वजह से इनका 4 एरिया ऑफ द कॉपरेशन है, एक ये भी कि मेकॉन गंगा कॉपरेशन के अंदर, जिसके अंदर टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कल्चर है, और ओवरऑल ये चीज़ को इम्पोर्टेंट खास है। 5 वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसके अंदर वर्किंग ग्रुप ऑफ टूरिज्म, एजुकेशन, कल्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वर्किंग प्लान ऑफ एक्शंस। तो भाई इसमें से जरूर याद रखें मेकॉन गंगा के अंदर अगर बात करें वर्किंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो है वो इंडिया जो है बेसिकली जो बात करें तो लीड करता है।
क्योंकि इसमें कुछ खास थीम भी नहीं निकली, तो कुछ भी नहीं निकला, तो ओवरऑल जैसे ये एक छोटा सा एक मंच हमें देखने को मिला, तो जिसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि कहीं ना कहीं 6 कंट्रियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। ये 6 कंट्री जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रिंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, कि प्रिंस में से हो सकता है कि मेकॉन गंगा कॉपरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज वो पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन सी कंट्री नहीं करती, तो एलिमिनेशन राउंड के थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये हमेशा मैपिंग को जरूर जरूर जो है बेसिकली जो है फोकस रखने की जो है यहाँ पर जो है कोशिश कीजिएगा। बाकी इसमें कुछ खास में था नहीं। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग निकल गया वो ये निकल गया कि ब्रिक्स समिट। देखिए ब्रिक्स समिट हाल ही में अगर बात करें तो हुई, जिसके अंदर ये 9th ब्रिक्स समिट हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ब्रिक्स की फुल फॉर्म वही ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को मिला के है जो बेसिकली बात करें तो ब्रिक्स बना। पहले बेसिकली बात करें तो ब्रिक था, तो जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना होते थे, लेकिन बाद में फिर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया तो फिर इसको ब्रिक्स बना दिया गया। अब ये कब जोड़ा गया, क्यों, कौन से टाइम जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, हमारे मेन इनके कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट। अभी 2017 के अंदर जब भी सबमिट हुई बेसिकली, तो एक ये जैमन डिक्लेरेशन होते कि पहले पहली बात तो जैमन है कहाँ, ये चाइना के अंदर कुछ ये वाला एरिया हमें जैमन की तरफ देखने को मिलता है, कि यहाँ से भी मैपिंग के तौर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इसकी थीम क्या थी, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, यानी कि मजबूत पार्टनरशिप जो होनी चाहिए भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप हमें देखने को, भागीदारी देखने को हमें मिलनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं देखिए अगर बात करें तो फिर टेररिज्म से रिलेटेड जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन जो स्पेसिफिकली होते हैं कंप्रेसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल जो टेररिज्म, वो कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा भी लेके फिर इसी चीज़ को इसके अंदर दोबारा से अगर बात करें तो दोहराया गया था। फिर साइड टू साइड एक यूनिवर्सल अगर बात करें डेफिनेशन जो एडोप्टेशन जो करी गई जो स्पेसिफिक टेररिज्म से रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है कि देखिए क्योंकि आज के समय हर एक कंट्री, चाहे वो चाइना हो, चाइना के अंदर उइगुर की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर भी कई इस एरिया के अंदर अगर बात करें चाइना भी कहीं ना कहीं बात कर टेररिज्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा इसके इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो एक बात कर सकते हैं कि हाँ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म हमें जो है यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है, बट इसके में हमें थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि UPSC जो है ब्रिक्स अगर बात करें ब्रिक्स रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक हिट एरिया रहा है और एक्सपेक्टेड रहा है कि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने जाते हैं। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए, देखिए हम फटाफट देख लेते हैं वैसे एक हाल ही में कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड साइन हुए। देखिए कुछ 4-5 तरह के डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, बट हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वही बता रहा हूँ मैं सबको कि देखिए ब्रिक्स एक्शन एजेंडा और इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन से रिलेटेड हुआ। इसमें ये इश्यूज हुए कि हाँ भी ठीक है भाई फेयर ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम लेके आएंगे, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को जो है बिल्कुल खत्म करेंगे। देखिए बेस इरोजन जो प्रॉफिट शिफ्टिंग ये होता है कि दोस्तों देखिए जो कॉर्पोरेट्स कंपनी होती है वो क्या होता है किसी कंट्री के अंदर टैक्स नहीं देती हैं, वो लेट सपोज मान लीजिए इंडिया के अंदर ही कोई एक USA की कंपनी है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए लेट सपोज कोई भी कंट्री मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक कोई कंट्री मान लीजिए, मान लीजिए मैं लेट सपोज कोको कोला को लेके चलता हूँ, मान लीजिए एक तरह से मान के चले कि USA कंट्री है, तो मान लीजिए कोको कोला अब इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, सब कुछ कर रही है, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट भी अर्न करेगी। तो जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो ये कुछ ऐसी अपने CA के थ्रू, बड़े बड़े CAs के थ्रू कुछ इस तरह से पहलू को रखते हैं आगे, ताकि ये यहाँ पर फिर इस जो पैसा जो कमाते हैं, जो बेसिकली जो पैसा कमाते हैं किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, कि भाई हमने फिर वो ये खर्चे में के तौर पर दिखाते हैं। लेट सपोज मान लीजिए 100 रुपये कमाए, मान लीजिए फिर इन्होंने इसी पैसे को 100 रुपये को मान लीजिए 90 रुपये वहाँ पर आगे दिखा दिया कि भाई हमने तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे अकाउंट में तो पैसा चला गया, लेकिन अगर ओवरऑल देखा तो ये अगर देखा है तो 100% प्रॉफिट ही था, लेकिन इन्होंने ये CA की मदद के थ्रू ये दिखाया कि भाई 90 रुपये तो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया दूसरी कंट्री के अंदर, तो फिर तो पैसा कितना बचा, 90 100 में से 90 गए तो कितने बचे, 10 रुपये बचे एक तरह से बात करें तो। फिर ये बोलते हैं भाई हम तो 10 रुपये पर टैक्स देंगे, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया को इनको 100 रुपये पर टैक्स देना चाहिए, लेकिन फिर ये क्या होता है इसी हथकंडे के थ्रू 10 रुपये टैक्स देते, तो इसी को बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग जो प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं, कि कहीं ना किसी और पैसे की जगह। तो बाकी इसके ऊपर क्या है ये पूरा हम कंट्रोवर्सी इकोनॉमिक सीरीज के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें। बस मैंने एक आपको हल्का सा एक मुद्दा बता दिया। फिर ब्रिक्स एक्शन इनोवेशन कॉपरेशन ये कुछ प्लान्स भी निकाले गए, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है कि हो सकता है ऐसे कॉर्ड निकाल दे। फिर इसी तरह एक्शन प्लान फॉर द इनोवेशन कॉपरेशन रिलेटेड जो चीज़ें निकाली गई वही कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड इसमें बायलेटरल मेमोरेंडम्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इसी साइंस टेक से रिलेटेड आगे बात करी गई थी। कहीं ना कहीं फिर अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफ ब्रिक नेशन जयपुर डिक्लेरेशन से रिलेटेड था, तो ये जयपुर डिक्लेरेशन अगर ये याद रखिएगा कि अगर जयपुर डिक्लेरेशन आता है तो ये जरूर याद रखिए कि कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स रिलेटेड हमारे लिए सॉरी गाइस
तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी तरह फिर स्ट्रेटेजिक फ्रेम ऑफ वॉर ब्रिक कस्टम कॉपरेशन से रिलेटेड कि हाँ ठीक है, कस्टम्स में भी थोड़ा सा हेर फेर करेंगे भाई, मैक्सिमम इंपोर्ट करने की कोशिश करवाएंगे, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छी अच्छी बातें जो ओवरऑल इसके अंदर जो हमें बताई गई थी। एक चीज़ और इसके अंदर कभी कभी यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए इस चीज़ को जरूर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जो सिक्स ब्रिक्स सबमिट हुई थी वो फोर्टिजिला ब्राज़ील में हुई थी, सेवन्थ वाली यूएफए रशिया में हुई थी, एट्थ वाली वेनेजुएला गोवा में हुई थी और नाइन्थ वाली जर्मनी में हुई थी। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकाल सकता है, कुछ उल्टपटांग कॉर्ड दे दे फिर दिक्कतें आ जाए। तो इस चीज़ को भी आप जरूर जो है याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और। फिर अगर देखिए अभी तक हमने ब्रिक्स पढ़ा, इंपॉर्टेंट था, इसी तरह फिर एडिटोरियल्स भी निकले द हिंदू के और काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी लेके आए ब्रिक्स। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस को थोड़ा सा देख लेते ताकि एक वास्ट व्यू में पता चल जाए थोड़ा सा, ताकि अगर कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ब्रिक्स रिलेटेड तो आप एटलीस्ट आपको साउंड नॉलेज हो और आप उस नॉलेज को जो बिल्कुल शेयर कर सकें। देखिए ब्रिक्स में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए जो टू बिगेस्ट जो मेंबर है स्पेशली अगर बात करें ये चाइना, इंडिया चाइना से देखने को मिलता है। लेट सपोज डोकलाम इश्यूज पे देख लें, चाहे अरुणाचल का देख लें, अरुणाचल प्रदेश जो चाइना मानता नहीं है कि भैया अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है, आप इंडिया में कैसे कन्वर्ट, कुछ तरह की थिंग्स हम देख सकते हैं। मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, अक्साई चीन स्पेशली इशूज, बॉर्डर इशूज़ देख सकते हैं, साइड टू साइड दलाई नामा हो गया आपका, तिब्बत हो गया, हमने तो बोल दिया कि भाई तिब्बत जो है बेसिकली चाइना का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी ये बोलता है कि भाई आपने जो दलाई लामा को अपने अंडर कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप हमारी सोवरेटी को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये सारी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सेट टू सेट अभी हाल ही के अंदर एनएसजी के अंदर ब्लॉक भी किया गया हम लोगों को, तो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर चाइना ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम इंडिया की एंट्री नहीं होने दें किसी भी हालत के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं हमें देख सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की तरफ भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है कहीं ना इनडायरेक्टली, जैसे कि आप वहाँ देख लें सैयद हफीज़ को देख लीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाइना का रोल भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर हाल ही में चाइना एक प्लान भी लेके आया कि भाई ब्रिक्स प्लस लेके आते हैं, फिर फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स लेके आते हैं, जिसके अंदर चाइना चाहता है कि भाई मैं पाकिस्तान को, श्रीलंका को, मैक्सिको को मैं इसमें इंक्लूड करूँ ताकि थोड़ा और मज़ा आए। तो देखिए अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस को देखा जाए तो देखिए इसका जो छोटा सा बच्चा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अफोर्स है, चाइना अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बच्चा ही है चाइना का एक तरह से। श्रीलंका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो ही चुका है क्योंकि बिकॉज 99 ईयर्स के लिए लीव तो ले ही लिया है सेट टू 70% शेयरिंग के साथ, मैक्सिको के साथ इसके काफ़ी ज़्यादा संबंध इसके अच्छे हो रहे हैं आज के समय अगर एनालिसिस ये करने को आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना का प्रॉफिट होगा अगर ये ब्रिक्स प्लस कर दिया जाता है तो। इस वजह से फिर साइड टू साइड ये भी है कि देखिए रशिया भी आज के समय देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइना से रिलेटेड, बिकॉज 300 बिलियन डॉलर की जो अभी डील साइन हुई है अभी काफ़ी कुछ साल पहले, एक साल पहले आई थिंक, जिसमें गैस रिलेटेड डील साइन हुई। तो कहीं ना कहीं फिर बात करें तो चाइना का भी अगर दबदबा हमें जो है ब्रिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है ओवरऑल, तो साइड टू साइड यूएसए की न्यू अफगान पॉलिसीज़ भी कुछ ना कहीं लेके आई हैं, तो जिस वजह से फिर चाइना और रशिया का और त्रिकोण हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, तो जिस वजह से ये कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है चैलेंजेस से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी कुछ हो गया ब्रिक्स के अंदर प्रिंस पॉइंट व्यू के हिसाब से, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बिम्सटेक पे चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 15th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी बिम्सटेक की, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इतना बड़ा नाम है याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ अगर बात करें तो कुछ हमें देखने को ये देखने को मिलता है कि देखिए इसके अंदर बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका, थाईलैंड है। अब आप देखें तो थोड़ा सा फोकस करें तो कुछ ये वाली कंट्रीज हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो अभी हाल ही में जो ये काठमांडू के अंदर हुआ, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रखता है कि बिम्सटेक में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। इसी के जैसे फिर 20 ईयर्स भी हुए अभी ये बिम्सटेक को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों। तो जिसमें से आप ये जरूर याद रखिएगा कि स्पेशली 27 जो एनिवर्सरी हुई थी वो 26 जून को थी, कि हो सकता है डेट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डालते कि हो सकता है क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं 20 ईयर्स हुए हैं, तो ये एक तरह से देखें तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें होती हैं। इसका हेड ऑफिस अगर बात करें ढाका के अंदर है। अगर इसका रीजन की बात करें तो 1.5 बिलियंस पीपल्स को लेता है, 22% ग्लोबल पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है इसके अंदर, वही कंट्री जो मैंने बता दी। लेकिन इसका अगर इनिशिएटिव देखें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड ही है कि हाँ ठीक है हम इकोनॉमिक कॉपरेशन, एक रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, कुछ इस तरह की थिंग्स हमें देखने को ओवरऑल हमें मिलती हैं। तो ये ओवरऑल अगर बात करें तो बिम्सटेक के अंदर प्रिंस पॉइंट के हिसाब से इससे ज़्यादा और कुछ, इससे बाहर कुछ
नहीं आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। हेल्ड इन अस्ताना में हुआ, कजाकिस्तान के अंदर। हमने इसकी मैपिंग ऑलरेडी कर रखी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमने इसकी मैपिंग ऑलरेडी कर रखी है। देखिए संघाई कॉपरेशन ये हो गया भाई, पाकिस्तान और इंडिया को भी अभी हाल ही में परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। पहले ये हुआ था कि देखिए संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो पहले ये एक यूरेशियन पॉलिटी से रिलेटेड था, जिसमें इकोनॉमिक मिलिट्री का एक बात करें तो ये कहीं ना कहीं कॉपरेशन से रिलेटेड था। अगर हम मैप देखें, देखिए इंडिया का मैप कुछ इस तरह से, तो इसी के जैसे यहाँ पे ये पूरा पूरा अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा यूरेशिया की तरह तरह हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर 6 मेंबर, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान हमें देखने को मिलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उज्बेकिस्तान जुड़ा, इसका हेड ऑफिस चाइना में है, बीजिंग के अंदर, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभी हाल ही के अंदर जो है इंडिया पाकिस्तान को एक ऑफिशियल पूरी की फुल मेंबरशिप यहाँ पे इसको मिल गई है। तो इसके जो मेन एक्टिविटीज़ यही हैं कि देखिए कॉपरेशन और सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक कल्चर कॉपरेशन की तरफ ये ज़्यादा फोकस करता है। और कहीं ना कहीं कंट्रीज अगर बात करें तो रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज में, बेसिकली कोल के अंदर, कोल हो गया, यूरेनियम में तो जैसे कजाकिस्तान ही है अगर बात करें तो, बट हाँ ये बोल सकते हैं कोल से रिलेटेड इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर देखें तो हमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक को उठाते हैं फटाफट। देखिए तापी गैस हाल ही में एडिटोरियल्स के थ्रू सुर्खी में बना रहा, क्योंकि जब ये ग्वादर पोर्ट हुआ था स्टार्ट, सॉरी जब ये चार बहार जब पोर्ट स्टार्ट होता उसी की जैसे फिर तापी गैस लाइन भी स्टार्ट हो। देखिए ये एक एक्चुअली ये एक पाइपलाइन काफ़ी गवर्नमेंट की बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन वही अगेन बीच में वही पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ना ये कभी सुधर सकता है। इसके हथकंडे की वजह से आज के समय में हमें जो है प्रॉपर गैस नहीं मिल पा रही। तुर्कमेनिस्तान जो है अगर बात करें तुर्कमेनिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छी बड़ी मात्रा में एक हैवी गैस जो है पाई जाती है, तो जिस वजह से अगर बात करें तो पाकिस्तान की वजह से हमें आज के समय गैस नहीं मिलता। तो ये तापी गैस किस किस से, देखिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये चार कंट्रीज़ का नाम जरूर आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तुर्कमेनिस्तान अगर बात करें तो देखिए ये दौलत गैस फील्ड से लेके हार्ट से होते हुए, कंदार होते हुए, क्वेटा होते हुए, मुल्तान होते हुए और ये आपका न्यू दिल्ली भी आ सकती है। तो ये सारी ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे जो है मिलती थी। इसी की जैसे एक प्रपोज लाइन भी हमें देखने को मिलती है, आपने सुर्खियों में पढ़ा होगा कि प्रपोज ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन भी हमें IPI जिसको हम बोलते हैं IPI हमें एक पाइपलाइन देखने को मिलती है। ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है और आपका न्यू दिल्ली आएगी, कुछ ये थिंग्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, देखिए तापी ऑफकोर्स तापी जो गैस पाइपलाइन है ये स्पेशली पहली बात तो पाकिस्तान से रिलेटेड है, कि देखिए पाकिस्तान क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो इसके फेवर में नहीं होती, क्योंकि अगेन वही चीज़ इंडिया को एक रुपये का फ़ायदा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनका 100 रुपये नुकसान हो जाए लेकिन इंडिया को एक रुपये का फ़ायदा नहीं होने देंगे। पर और भी इसमें कुछ और भी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती है। देखिए तापी नेचुरल गैस जो पाइपलाइन है उसमें देखिए कहीं ना कहीं अगर ये गैस जो पाइपलाइन अगर बनती है तो कहीं ना कहीं, तो देखिए आप पहली बात तो इस चीज़ को याद रखिए कि देखिए कुछ अनडिक्लेयर एक्सट्रीम रिस्क जोन भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक तालिबान से रिलेटेड कुछ ये एरिया, कंधार से रिलेटेड, क्वेटा से रिलेटेड, ये कुछ एक्सट्रीम अगर बात करें तो लैंड माइंस हो गया, यहाँ पे लैंड माइंस भी बिछी रहती हैं कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेटेड भगाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से आएगी ऑफकोर्स। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है ओवरऑल हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। इसी के जैसे दोस्तों फिर अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ने, आपको भी पता होगा कि देखिए जो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ होते हैं जिसके अंदर हाँ सूरज जो है पूरे दिन में एक बार जरूर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉन से रिलेटेड, तो 21 कंट्रीज़ का स्पेशली संगठन है अगर बात करें तो ओवरऑल। इसके अंदर अगर हम ये चीज़ देखें कि ये ओवरऑल ये जो ये कंट्रीज़ है ये सोलर जो एनर्जी से रिलेटेड है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करता है ये, जिसके अंदर एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका देखने को हमें मिलता है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर बात करें तो, जिसके अंदर फोर्स डाउन प्राइस बाय द ड्राइविंग डिमांड, ब्रिंग स्टेबलाइजेशन इन सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और फोस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इनका जो बेसिकली काम हमें देखने को मिलता है कि भाई सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें और साइड टू साइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करें। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 120 नेशंस का 121 का एक तरह से देखें तो कैंसर और कैप्रिकॉन्स के बीच की जो कंट्रियाँ होती हैं जिसमें साउथ अफ्रीका और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसका हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो गुरुग्राम में बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है 200 एकड़ के अंदर, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो स्पेशली ये ओवरऑल ये एनालिस अगर बात करें तो सुर्खियों में बना हुआ था, जिस वजह से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रख दिया, बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं और इंडिया बस यही है और तो कुछ इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक हाल ही में संगरीला
संग्रीला डायलॉग थोड़ा सा न्यूज़ में बना था दोस्तों। देखिए संग्रीला डायलॉग्स क्या है, 16th सिक्योरिटी समिट हुई थी अभी हाल ही में, स्पेशली द संग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हुआ। देखिए संग्रीला बेसिकली नाम क्यों पड़ा, ये होटल में होता है एक्चुअली बहुत पहले, तो जिस वजह से इसका नाम संग्रीला डायलॉग रख दिया। अब होता क्या है कि हर साल स्पेशली जो होता है, हर साल जो होता है जो सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं, जो स्पेशली जो एशिया से रिलेटेड नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल अभी जो समिट में हुआ था, इसके अंदर नॉर्थ कोरिया समिट को जो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड जो मिसाइल्स को जो बातों को उठाया गया था, साउथ चाइना जो इशू जो सी डिस्प्यूट है आप देख सकते हैं यहाँ के अंदर, तो इस चीज़ को बेसिकली उठाया गया था। इंडिया वहाँ पर जा नहीं पाया कि बिकॉज ड्यू द डिफेंस मिनिस्टर वाज बिजी विद जीएसटी इंप्लीमेशंस की वजह से वहाँ पे जो है बेसिकली अगर बात करें तो वो जा नहीं पाए थे। तो यही था ओवरऑल इसके अंदर। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी हाल ही में क्या है हुआ है कि देखिए थर्ड ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉर्म में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए ये न्यूज़ वैसे कोई खास कुछ खास है नहीं, बट फिर भी हो सकता है कि अगर MCQ बनना चाहे तो यहाँ से बन सकता है, क्योंकि देखिए इसके बारे में ये पूछ सकता है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉर्म क्या होता है। अभी ठीक है इंडिया ने इसमें स्पेशली जो है पार्ट जो बेसिकली जो पार्टिसिपेट किया वो रशिया के अंदर होता था, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब इंडिया किसी चीज़ में पार्टिसिपेट है तो कहीं हो सकता है कि जो प्रोफेसर एग्जाम्स बना रहे शायद हो सकता है उसको इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सके। तो बस इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा कि देखिए ये जो स्पेशली अगर बात करें जो इंडियन जो ईस्टर्न इकोनॉमिक जो फॉर्म होता है बेसिकली वो ये है कि देखिए पहली बात तो ये हेल्ड इन ईच ईयर, पहली बात तो इस चीज़ को जरूर याद रखिए इंटरनेशनल फॉर्म है, इसके अंदर रशिया से रिलेटेड, इसमें रशिया में इसलिए होता है ताकि रशिया भी इन्वाइट करता है कि भाई आओ भी हमारे देश के अंदर स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करो। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं FDI के लिए मोदी जी तरह तरह की योजना तरह तरह के फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इसी तरह रशिया ने भी स्पेशली बात करें तो इसी तरह से कि ईस्ट से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनको इसमें इन्वाइट करते हैं कि आओ भी रशिया के अंदर इन्वेस्ट करो। क्योंकि हाल ही के अंदर क्या हो रहा है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि गैस की प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम हो गई है, जो रशिया का जो मैक्सिमम रिवेन्यू अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक्सपोर्ट इन गैस से रिलेटेड होता है, तो जिस वजह से रशिया ने फिर इस वजह से इस फॉर्म को इसको उद्घाटन किया, और यही से ओवरऑल इसके अंदर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर वही अच्छी अच्छी बातें लाइक बिगेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू कॉपरेशन बिटवीन बिजनेस लीडर्स एंड द सीनियर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रशिया द पैसिफिक रीजन द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, वही अच्छी अच्छी बातें। बाकी बस मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है कि रशिया के अंदर ईच ईयर्स के अंदर और इसमें जो फॉरन इन्वेस्टर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हमें जो है हम इसमें जो है बेसिकली जो है देखते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की जो कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें और बात करें तो और हाइलाइट्स में रही। तो देखिए इसमें एक ये रहा कि EU यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, पहले आप ये बात जरूर याद रखिएगा, देखिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर अगर देखें तो हमें कुछ कंट्रियाज जो है इसके अंदर अगर बात करें तो इस्टेब्लिश हैं, जिसके अंदर बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया और अर्मानिया हो गया। तो अर्मानिया को प्लीज़ ज़रूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है कि कंसीडर दिस स्टेटमेंट भाई कौन सी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं नहीं करती, तो आपको फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मानता हूँ दोस्तों काफ़ी मुश्किल है IR के कंपोजिशन याद करना, बट इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए इसका हेड ऑफिस मास्को के अंदर है, इसके अंदर वही अर्मानिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया है, और इसका जो स्पेशली जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का आप इसके लिए बात करें तो वही मोटिव है जैसे कि सेम जैसे कि आप बात कर सकते हैं जैसे EU का है कि भाई ठीक है फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स कैपिटल सर्विस एंड द पीपल प्रोवाइड ऑफ कॉमन ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सपोर्ट, वही अच्छी अच्छी बातें जो हमारे EU के अंदर हमने जो देखने की कोशिश की थी यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो वही सेम इसी का जो परस्पेक्टिव यही हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती है। और इवन दैट इन्होंने तो ये भी बोला कि भाई इन फ्यूचर के अंदर अगर ये चीज़ें सही रही कि भाई आखिर जो फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स कैपिटल सर्विस एंड पीपल्स तो फिर ये लोग क्या सिंगल करेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बात करें तो एकता की तरफ आगे थोड़ा सा जो यूनिटी की तरफ जो है आगे थोड़ा सा आगे हम चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर इसी की जैसे एक OECD हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा था अगर बात करें 6 महीने की न्यूज़ के अंदर। देखिए पहले OECD कंट्रीज़ को देख लीजिएगा कि ये ओवरऑल कंट्रीज़ हैं, ये अगर बात करें तो ये पूरा ओवरऑल यूरोप और साथ में ऑस्ट्रेलिया और साथ में कहीं ना कहीं जापान, तो अब इनके कंट्रीज़ को याद करना जरूरी नहीं दोस्तों, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस ये जरूरी याद रखें सेक्रेटरीट पेरिस के अंदर है, 35 मेंबर है इसके अंदर, और लताविया भी हाल ही के अंदर 2016 के अंदर ही जो बेसिकली जो ज्वाइन हुआ है। इसकी जो फुल फॉर्म अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वही ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉपरेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये करता है। कहीं ना कहीं इसके ओवरऑल जब बात करें तो डेवलपमेंट जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसी से इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं जो इकट्ठा करती हैं, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी मार्केट इकोनॉमिक और इस चीज़ को जरूर याद रखें। जो हमारा मेन जो कंसिडर्ड पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OECD, बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखने को
हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और देखिए, एक मार्कोस हुआ था, बेसिकली हुआ था, हुआ ये कि देखिए वेनेजुएला की जो स्पेशली अगर बात करें, सस्पेंड कर दिया गया वेनेजुएला को, क्योंकि क्राइसिस हो रहे थे जिस वजह से वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। और स्पेशली जो ये मार्कोसोर है, ये बेसिकली बात करें सब रीजनल ब्लॉक है ये, इसका अगेन वही पर्पस है कि प्रमोट फ्री ट्रेड एंड द फ्लूड मूवमेंट ऑफ द गुड्स पीपल एंड द करेंसी, और कहीं ना कहीं फुल कस्टम यूनियन की तरफ आगे बढ़ने की जो कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो ओवरऑल इसमें बस यही सब चीज़ें थी, और बस के जो मार्कोस की जो स्पेशली अगर आप मैपिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। देखिए ये कुछ देखिएगा वेनेजुएला की, हो सकता है मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, तो वेनेजुएला को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसी तरह ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलाविया, पेरू, कोलंबिया और छोटी छोटी कंट्रीज इस पर ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ें डिस्कस करा चुका हूँ मैपिंग से रिलेटेड, हमने साउथ अमेरिका की मैपिंग देखी, तो बस इस चीज़ को आप जरूर याद कीजिएगा। बस इसमें जरूरी ये चीज़ जरूर याद रखें कि ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर न्यूजीलैंड और मैक्सिको, इसके अंदर दो चीज़ हैं जो बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ हमें देखने को, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि इसके ये अगर देखा जाए तो बेसिकली अब जो है मैक्सिको जो चार मेंबर्स के तौर पे देखने को हमें मिलता है, जिसके अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे, और ये उरुग्वे है, वेनेजुएला को जो सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अभी तक का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।